गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंटम चैप्टर नंबर 5 फॉर क्लास 5th. चैप्टर नेम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन दिस चैप्टर टुडे आई विल टॉट यू एक्सरसाइज 5.1 मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिलिंदी ब्लैंक्स में हमें सॉल्व करना है बिटवीन टू नंबर्स मल्टीप्लिकेशंस, टू और थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 8695 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1. देखिए, जब भी हम किसी नंबर का, किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 से, अगर वो 1 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो जो नंबर होता है वो रिपीट हो जाता है. अगर हम 8695 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8695 हो जाएगा. क्लियर? जब भी हम 1 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही नंबर रिपीट हो जाता है. सेकंड देख लेते हैं, 35498 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10. अब देखिए इसे कैसे करेंगे. मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहला नंबर 35498 मल्टीप्लाई 10. सबसे पहले हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, और जब हम 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो हमें 0 मिलता है. 08 ज़ा 0, 09 ज़ा 0, 04 ज़ा 0, 05 ज़ा 0, 03 ज़ा 0. बिकॉज अब हम यहाँ पे सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले हम 1 डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का. 18 ज़ा 8, 19 ज़ा 9, 14 ज़ा 4, 15 ज़ा 5, 13 ज़ा 3. सो व्हाट वी गेट आंसर, आंसर इज 08. अब देखिए, हम जब प्लस करते हैं 0 में 8 तो हमारा आंसर 8 आता है, 0 में 9 तो 9, 0 में 4 तो 4, 0 में 5 तो 5, 0 में 3 तो 3. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 354980. इसी तरह हम ये करेंगे, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि हम पहले इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3496. यहाँ कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो 1 2 3. ये केस हम तभी करेंगे जब हमारा यहाँ पर नंबर क्या है, 1 है. इनकेस यहाँ पर 2 है तो हमारा ये आंसर गलत हो सकता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली. और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके देखना है मल्टीप्लाई करके. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो देखिए हमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन 8570 में मल्टीप्लाई करना है 700. मतलब देखिए कैसे करेंगे, 8570 में हमें मल्टीप्लाई करना है 700 का. सबसे पहले मैं इस नंबर का मल्टीप्लाई करूँगी पूरे में, तो 0 को मल्टीप्लाई 0, 0, 0 को मल्टीप्लाई 7 में 0, 0 को मल्टीप्लाई 5 में 0, 0 को मल्टीप्लाई 8 में 0. अब हमें दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे क्रॉस, फिर अगेन 0 है तो हमारा किसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा. फिर मुझे करना है 7 से, तो हमें अब तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रॉस लगाएंगे, 7 0 ज़ा 0, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 9 नीचे, 7 5 ज़ा 35, 35 4 39, 3 कैरी 9 नीचे, 7 8 ज़ा 56, 56 3 59. तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 0 0 9 0 9 9 0 9 9 5. तो आंसर क्या हो गया हमारा, 5 9 9 9 0 0 0. ठीक है, जैसे मैंने ये वाला किया है ऐसे आपको ये सारे करने हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसके बाद, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय ग्रुपिंग अप्रोप्रिएटली. देखिए हमें क्या करना है, ग्रुप करना है इसका, तीन डिजिट है यार, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 25 है, 45 58 एंड 16 है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. तो कोई दो नंबर हम ले लेंगे, तो मैंने क्या किया है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें किया. देखिए कैसे किया है, पहले मैंने लिखा है इसको ब्रैकेट में 25 ऑफ 4558 का मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ, 225 और 458 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया है. देखिए 5 का किया है, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी 0 नीचे, 5 5 ज़ा 25, 25 4 29, 2 कैरी 9 नीचे, 5 4 20 और 2 22. इसी तरह फिर 2 का किया है, यहाँ पे एक क्रॉस लगाया, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 6 नीचे, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11, 1 कैरी 1 नीचे, और 2 4 ज़ा 8 और 1 9. ऐड कर लिया, 0 9 और 6 15 की 1 कैरी, 2 1 3 1 4 और 9 2 11. देखिए हमारे पास आंसर आया है 11450. किसका आंसर आया है, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई. अभी हमने 16 का मल्टीप्लाई नहीं किया है,
अब हम लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने किया है 11450 में 16 का मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या आ गया 183200। तो हमने यहाँ पर लिख लिया हमारा आंसर क्या होगा 183200। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर बी सी और डी करने हैं, और इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नोटबुक में करिए। ओके, थैंक यू।